संयुक्त व्यापार मंडल विकास नगर के संस्थापकों ने विकास नगर में एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां संयुक्त व्यापार मंडल के संस्थापक भास्कर चुग और अरविंद शर्मा संयुक्त व्यापार मंडल की स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा की। 10 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा करते हुए संयुक्त व्यापार मंडल के संस्थापक अरविंद शर्मा और भास्कर चुग ने बताया कि 30 सितंबर तक स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य संयुक्त व्यापार मंडल का सदस्यता अभियान सघन रूप से चलाएंगे और प्रयास करेंगे कि प्रत्येक छोटे और मझोले व्यापारी के साथ हर उस व्यापारी को संयुक्त व्यापार मंडल का सदस्य बनाया जाए जो उपेक्षित किया गया है। तत्पश्चात संगठन की वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी और दशहरे के तुरंत बाद संयुक्त व्यापार मंडल के चुनाव करा लिए जाएंगे। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। विकासनगर में 3 दिन पहले संयुक्त व्यापार मंडल का गठन किया गया और वो गठन इसलिए मजबूरी में किया गया कि जो आज तक व्यापार मंडल चलते आ रहे थे उन्होंने छोटे और मंझोले व्यापारी को व्यापार मंडल का वोटर व्यापार मंडल का सदस्य तक होने के लायक नहीं समझा था। हमने उनसे बहुत अपील की, प्रदेश के नेताओं से, जिले के नेताओं से, व्यापार मंडल की, कि आप छोटे व्यापारी को भी व्यापारी माने, उसको भी सदस्यता दें, लेकिन इस दिशा में कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ।